अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग जंक्शन चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं आलू ब्रेड के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं। तो हमारी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आइए वीडियो जो है बनाना, रेसिपी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। इनको मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया, रिमूव कर लिया। तो इसमें जो खुशक मसाला जाएंगे वो इनमें मैंने 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया ले लिया, क्रश कर लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा ले लिया है। बिल्कुल चुटकी भर इसमें हल्दी ले ली है और चुटकी भर ही इसमें मैंने चाट मसाला ले लिया है। और 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें बिल्कुल ही चुटकी सी अजवाइन ले ली है और साथ इसमें बिल्कुल ही चुटकी भर ही कह लें आप, इसमें गर्म वो काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और साथ मैंने इसमें गर्म मसाले का पाउडर ले लिया है। और ये देखिए, इसमें जो हमारी वेजिटेबल जाएंगी वो जो दरमियाने साइज़ का जो प्याज है वो मैंने बिल्कुल ही चॉप कर लिया, कटिंग कर लिया है। और साथ में इसमें जो सब्ज़ धनिया है उसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। और साथ इसमें मैंने 2 जो है सब्ज़ मिर्ची उनको क्रश कर लिया है। और साथ इसमें लहसुन जाएगा वो कुटा हुआ लहसुन। तो चलिए ये देखिए, 4 मैंने छोटे साइज़ के ब्रेड ले लिए, इनको हम पीस के अपने आलूओं के मैशर में शामिल कर देंगे। तो चलिए ये देखिए, मैंने अपनी 3 ब्रेड के जो 3 ब्रेड के स्लाइस है उनके मैंने अपने ब्रेड क्रम्स बना लिए जूसर के ग्राइंडर में। और साथ में ये देखिए, 2 अंडे जो हैं उनको मैंने कर लिया, अच्छे तरीके से फेंट के रख लिया और उसमें नमक डाल लिया है। तो चलिए ये देखिए, हमारे जो मिक्सर है वो आलू कबाब ब्रेड का वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मटेरियल ले लेते हैं और इसे अपने हाथों में ऐसे राउंड शेप बनाएंगे। तो हम ये लंबाई में जो जैसे सीख कबाब होते हैं ऐसे बना रहे हैं। चलिए देखिए, हमारा कबाब रेडी हो चुका है। तो अब हम पहले इसकी अंडे में कोटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे में कोटिंग करेंगे, फिर साथ ही इसकी अपने दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये हमने लगा लिए। तो ये देखिए, इसी तरह ही हम अपने सारे जो कबाब हैं वो रेडी कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमने अपने कबाब पे ब्रेड क्रम्स और अंडा जो है वो लगा लिया है। तो अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ पकी हुई है इसलिए हम शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो चलिए, अपने जो कबाब है हम ऑयल में डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो अब अपने कबाब आहिस्ता से उठा के हम इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे मज़ेदार क्रंची और सॉफ्ट जो हैं वो ब्रेड आलू ब्रेड कबाब बन चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बने हैं। तो आप भी बनाएं, अपने बच्चों को भी दें और ख़ुद भी इंजॉय करें। तो चलिए, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बेल के जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि उसे हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।